कभी ऐसा होता है कि जब आप WhatsApp चला रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी आपको क्या होता है कि अब आपको WhatsApp का सारा मैसेज रखना है, लेकिन आप अपने WhatsApp का नंबर चेंज करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए फ्रेंड्स आपको WhatsApp को पहले अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, और फिर से जब आप इसे WhatsApp को लॉग इन करेंगे दूसरे नंबर से, तो आपका WhatsApp का सारा मैसेज यहाँ से डिलीट हो जाएगा। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आप अपने WhatsApp नंबर को चेंज भी कर पाएंगे और आपका कोई भी मैसेज डिलीट नहीं होगा, और आपका जो नंबर चेंज हुआ है वो सामने वाले सभी को पता चल जाएगा कि आपने नंबर चेंज किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो तीन डॉट दिख रहा है इसको आपको यहाँ से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा चेंज नंबर का। याद रहे फ्रेंड्स, ये आपका नंबर आपका चेंज हो जाएगा, व्हाट्सएप डिलीट नहीं होगा। तो मैं यहाँ से नंबर चेंज कर रहा हूँ, मेरा पूरा मैसेज रह जाएगा। तो देखिए मैं चेंज नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फ्रेंड्स एंटर योर ओल्ड फोन नंबर। तो जिस नंबर से आपका व्हाट्सएप चल रहा है वो नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। तो देखिए मैं यहाँ पे वो नंबर डाल देता हूँ, और नीचे जो है फ्रेंड्स एंटर योर न्यू फोन नंबर, जिस नंबर से अब आप व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं। तो ऊपर में आपका जिस नंबर से व्हाट्सएप है उसको डालना है, और जिस नंबर से आप व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं उसको नीचे डालना है, मतलब न्यू नंबर को। तो मैं फटाफट दोनों ही नंबर डाल देता हूँ। इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप नोटिफाई कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पे नोटिफाई अलाउ कर देंगे तो यहाँ पे आपको और तीन ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, ऑल कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट आई हैव चैट और कस्टम। आप इस तरह से अगर ऑल कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो जब ये आप यहाँ से डन कर देंगे तो जितना भी आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट होगा सबको नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आपने व्हाट्सएप नंबर चेंज किया है। और अगर आप इसे यहाँ से डिजेबल कर देंगे तो किसी को भी नहीं पता चलेगा और आपका व्हाट्सएप नंबर चेंज हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स मैं नोटिफिकेशन नहीं जाना चाहता हूँ, और यहाँ से डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स मेरा जो व्हाट्सएप है इजली से एक OTP आएगा, और उस OTP को आपको डाल देना है। इस तरह से फ्रेंड्स आपका जो व्हाट्सएप है यहाँ पर एंटर ओके कर देना है, और ओके करने के बाद टू स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन मैंने इस फ़ोन का करके रखा है फ्रेंड्स। तो चलिए टू स्टेप वेरिफिकेशन करने से ये होता है कि जब आप कोई भी आपका OTP ले भी लेगा तब भी वो आपके WhatsApp को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो मैंने इस नंबर पे टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन किया है। तो चलिए अब मुझे यहाँ पे वो नंबर डालना पड़ेगा। टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या होता है ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप चाहते हैं टू स्टेप वेरिफिकेशन कैसे होता है और इसके क्या फ़ायदे हैं, तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो गया। अब मैं व्हाट्सएप को फिर से एक्सेस कर पाऊँगा, यहाँ पे ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद मैं फिर से यहाँ पे हमको वेरिफिकेशन डालना पड़ेगा, और यहाँ ओके हो गया। इस तरह से फ्रेंड्स अगर टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं रहता और मेरे व्हाट्सएप को कोई दूसरा आदमी एक्सेस करता तो वो OTP लेने के बाद भी मेरे व्हाट्सएप को एक्सेस नहीं कर पाता। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए मेरा जो मोबाइल नंबर है वो ईजिली से चेंज हो चुका है, और मेरा कोई भी मैसेज यहाँ से डिलीट नहीं हुआ है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप आसानी से अपने व्हाट्सएप नंबर को चेंज कर सकते हैं और आपका कोई भी चैट मैसेज डिलीट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बिल्कुल लाइव दिखाया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।